एक बार फिर आप सभी लोगों का सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम अध्याय चतुर्थ पर चर्चा कर रहे थे, इससे पहले हम लोग गांधी इरविन समझौते पर चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में अब हम द्वितीय घुलमिल सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। द्वितीय घुलमिल सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें गांधी जी या कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। गांधी जी ने कांग्रेस ने द्वितीय घुलमिल सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय दल के नेतृत्व या प्रतिनिधि थे, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही थी, एवं अन्य सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, श्याम सुंदर दास बिरला, देवदास गांधी तथा डॉक्टर अंबेडकर एवं महादेव देसाई आदि सम्मिलित थे। महात्मा गांधी अगस्त 1931 में सम्मेलन भाग लेने के लिए एसएस राजपूताना जहाज से लंदन पहुँचे। सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेल सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आरंभ हुआ। सम्मेलन में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय हितों को ध्यान की रक्षा करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, परंतु अंत में वे असफल होकर लौटे। सम्मेलन में मुख्यतः भारतीय संघ के प्रतिनिधि ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर बहस हुई। गांधी ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। सम्मेलन की विफलता का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के लिए एक योजना रखी। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर बल दिया। नंबर 1, संघीय केंद्र तथा स्वायत्तता की व्यवस्था, प्रांतों के लिए सीमित स्वायत्तता संबंधी अधिकार, वित्त, विदेशी व्यापार एवं युद्ध एवं सुरक्षा संबंधी मामलों में अंग्रेजी संसद एवं वायसराय का अधिकार। सरकारी रुख से दुखी होकर महात्मा गांधी 1 दिसंबर 1931 को वेस्टलियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे। अपने स्वागत के लिए एकत्र भीड़ को देख गांधी जी ने कहा, मैं भारत खाली तो ज़रूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। अहम बात करते हैं पूना एक्ट के बारे में। 1932 में ब्रिटेन या ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय या अधिनिर्णय जारी किया। उनके इस भारत के दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय का विरोध किया और उसे वापस लेने की मांग की। गांधी जी ने इसके विरुद्ध घोषणा से हृदय रुष्ट हुआ, क्योंकि इनके द्वारा दलितों को हिंदू से अलग करने का प्रयास किया जा रहा था। अतः महात्मा गांधी ने 30 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण प्रारंभ कर दिया। इस खबर से सारा देश स्तंभ हो गया। यद्यपि कुछ नेताओं ने गांधी जी के इस कार्य को की आलोचना की, किंतु इसके अच्छे परिणाम हुए। इसी अनशन को समाप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक नेता पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, रामगोपालाचार्य, एसएस रजा ने निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप पूना एक्ट हुआ, जिसे गांधी जी और दलितों के नेता अंबेडकर के ने 25 सितंबर 1932 को स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने उसी दिन अपना अनशन समाप्त किया। दलित वर्ग की ओर से
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर सिग्नेचर किए। एसएस या एमएस जैकर, देवदास गांधी, राजभोज, पी बालू, तेज बहादुर सप्रू, डीडी बिरला, रामगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एमसी रजा आदि अन्य हस्ताक्षर थे। इनके अनुसार दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनका भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रबंध देने की व्यवस्था की। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। व्यवस्था सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का या आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था की मान्यता दी गई। अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आंदोलन का प्रारंभ या प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने की। अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। इस प्रस्ताव को मूलतः महात्मा गांधी ने तैयार किया था। अनेक संसाधनों के साथ जवाहरलाल नेहरू ने इसे पटल पर रखा। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा भाई, महादेवी देसाई को आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाकुंड, नेहरू को अल्मोड़ा, पटेल एवं अन्य को अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया। जैसा कि इसी दौरान कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की आगा खां पैलेस में मृत्यु हो गई। आंदोलन का प्रचार करने के लिए मुंबई से गुप्त रूप में कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया। इसके संचालन का श्रेय ऊषा मेहता को था। महिलाओं ने इस आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। अरुणा आसिफ अली को इस अधिवेशन की नायिका माना जाता है। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो का नियमित रूप से बोलते थे या प्रचार कर लेते। इनका प्रसारण मद्रास तक सुनाई देता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगह जगह समांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया, मेघनापुर, कल्चर, सतारा प्रथम समांतर सरकारें बलिया में चित्तू पांडे ने स्थापित की। ये समांतर सरकारें अत्यधिक अल्पकालीन थीं। इनमें सतारा की सरकार अधिक दीर्घकालीन तक जीवित रही। यह सरकार 1945 तक जीवित रही। इसके नेता बाई भी हार्ड थे। भारत छोड़ो आंदोलन का सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की। तो इसी क्रम में अब भारत की स्वतंत्रता पे बात करते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता हेतु प्रयासों में क्रम से कई आंदोलन एवं सत्याग्रह आदि चलाए गए। इनमें मुख्यतः विदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मानते हुए विवश किया। इसके तहत 30 जून 1947 को माउंट वेवन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई गई। इसके तहत या इसके अनुसार दो डोमिनियन और दो संविधान सभाओं का निर्माण किया गया। 4 जून 1947 को यह विधेयक संसद को प्रस्तुत किया गया तथा 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में से मान्यता मिली तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित किया गया।
चर्चिल ने टिप्पणी की, यह बिना युद्ध की संधि है। 18 जुलाई 1947 को इसे क्राउन की स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार नियमित दिन को सत्ता भारत और पाकिस्तान दो राज्यों या डोमिनियम को दे दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि सत्ता हस्तांतरण की औपचारिकता प्रक्रिया पूरी कर दी गई। धन्यवाद। अब हम आगे दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे।